नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑटो फंडा। दोस्तों, जिस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है अर्टिगा VXi। दोस्तों, अर्टिगा VXi आपको पेट्रोल इंजन में आएगा जो कि 1.5 लीटर का रहेगा। दोस्तों, ये जो इंजन है आपको BS6 नॉर्म्स के तहत ही मिलेगा और जो सामने आप कलर देख पा रहे हो उसे मैग्मा ग्रे कलर कहते हैं। तो बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इंजन जो मिलेगा आपको K15B स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आपको मारुति सुजुकी का मिलेगा जो 1462 सीसी का रहेगा। पावर की बात की जाए तो 77 किलोवाट आपको 6000 आरपीएम पे मिलेगा, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा आपको 4000 आरपीएम पे, और फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 45 लीटर की आपको फ्यूल टैंक मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 4 गियर ऑटोमेटिक में मिलेगा। माइलेज की बात की जाए तो 19.34 का किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा और ऑटोमेटिक में आपको 18.69 का माइलेज मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो आपको मिलेगा हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प और साथ ही साथ आपको क्रोम स्टडेड फ्रंट ग्रिल भी मिल जाएगी जिसमें आपको सुजुकी का लोगो भी आ जाएगा। दोस्तों, VXi में आपको फॉग लैम्प नहीं आते हैं, इस गाड़ी में जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में डाले गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर की। दोस्तों, गाड़ी का टोटल इंटीरियर कलर आपको ब्लैक एंड बेज कलर में मिलेगा। दोस्तों, गाड़ी में आपको 4-way पावर विंडोज मिल जाएंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORM और फोल्डर व्हील का भी ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग के ऊपर आपको स्टेरियो मॉनिटर ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है जहाँ से आप आपके गाने चेंज कर सकते हो, आपके गाने की साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है और उसी के साथ आपको आपके कॉल उठाने या उसे कट करने का भी बटन्स दिए गए हैं। अगर बात की जाए मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 10.67 सेंटीमीटर का कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है। दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल बटन नहीं दिया है, उसकी जगह टच बटन यूज किए गए हैं। गाड़ी में मैनुअल एसी के साथ साथ हीटर का भी ऑप्शन दिया गया है और साथ में को ड्राइवर साइड में यहाँ पे एक एयर बैग भी मिल जाएगा विथ ABCBD सिस्टम के साथ। दोस्तों बात करते हैं रियर लुक की, तो पीछे साइड में आपको सेफ्टी फीचर में रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया गया है और साथ ही साथ अगर आप ऊपर की बात करें तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी दिया गया है। और बात की जाए टेल लैम्प की, तो आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प दिया गया है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही बढ़िया होती है। दोस्तों चलते हैं रियर सीट पे। अगर रियर के डोर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे रियर पावर विंडोज मिल जाएंगे। गाड़ी में रियर साइड में भी आपको एक्सेसरी सॉकेट का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप आपका मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। दोस्तों मिडल रो में आपको गाड़ी में AC ब्लोअर दिए गए हैं जिसके आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। थर्ड रो की सीट का कंफर्ट बढ़ाने के लिए उसमें इंक्लाइन और रिक्लाइन का दोनों का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी में आपको टोटल लेंथ 4395 की मिल जाती है, विड्थ 1735 की मिलती है और हाइट 1690 की मिलती है। इसकी वजह से आपके गाड़ी में लेग रूम, शोल्डर रूम और हेड रूम बहुत ही बढ़िया मिल जाता है।
दोस्तों न्यू अर्टिगा VX है में आपको गाड़ी का बूट स्पेस 209 लीटर का दिया गया है। गाड़ी की टूल बॉक्स रखने के लिए एक सेपरेट सा ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ पे आपके गाड़ी का आप टूल किट और जैक भी रख सकते हो। गाड़ी के थर्ड रो सीट आप पूरी तरीके से उसे फोल्ड कर सकते हो और पीछे का जो साइज है, पीछे की जो जगह है उसको आप पूरा यूटिलाइज भी कर सकते हो। गाड़ी के तीनों भी रो में सीट हेडरेस्ट को आप आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों आप बात करते हैं गाड़ी के कुछ जरूरी एक्सेसरीज के बारे में जहाँ पे आप आपके गाड़ी में फॉग लैंप लगा सकते हो जिससे आपकी गाड़ी का लुक भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ नाइट में आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। गाड़ी के साइड कॉर्नर स्क्रैचेस से बचने के लिए आप बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर भी लगा सकते हो। विंडोज के नीचे आप जो क्रोम प्लेट देख पा रहे हो उसे विंडोज फ्रेम किट कहते हैं जिससे आपके गाड़ी का लुक और भी प्रीमियम दिखाई देता है। स्टेयरिंग के ऊपर अच्छे ग्रिप के लिए आप स्टेयरिंग कवर भी डाल सकते हो। सीट कवर में आपको बहुत सारी सीट कवर क्वालिटी मिल जाती है जहाँ पे आप आपकी चॉइस से कलर चूज कर सकते हो, पर अभी जो सीट का कलर दिख रहा है वो बीच कलर में है जो कि गाड़ी के इंटीरियर को मैच कर रहा है। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। और हाँ, ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।